महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त मोदी जी उड़िया संस्कृति और अस्मिता के प्रति विशेष सम्मान रखते हैं। खासकर इसी कारण उड़िया अस्मिता की रक्षा के लिए मोदी जी के एक आह्वान पर उड़ीसा वासियों ने अप्रत्याशित प्रेम और समर्थन दिया है। आइए हम सभी अपने हृदय से भारत के गौरव, विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान और स्वागत करें अपनी गहन भावनाओं के बीच और गगनभेदी तालियों के बीच उनकी उपस्थिति का अभिवादन करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध रखूंगी अपना संभाषण रखें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, अश्विनी वैष्णव जी, उड़िया समाज संस्था के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ प्रधान जी, उड़िया समाज के अन्य अधिकारी, ओडिशा के सभी कलाकार, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ओडिशा सबू भाइयों भौणी मानकों, मोर नमस्कार एवं जोहार। ओडिया संस्कृति के महाकुंभ ओडिशा पर्व 2024 को आशी मां गर्भित आपण मानकु भेटी मु बहुत आनंदित। मैं आप सबको और ओडिशा के सभी लोगों को ओडिशा पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस साल स्वभाव कवि गंगाधर मेहर की पुण्यतिथि का शताब्दी वर्ष भी है। मैं इस अवसर पर उनका पुण्य स्मरण करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। मैं भक्त दासिया बावरी जी, भक्त सालवेग जी, उड़िया भागवत की रचना करने वाले श्री जगन्नाथ दास जी को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। ओडिशा निजर सांस्कृतिक विविधता द्वारा भारत को जीवंत रखी बारे बहुत बड़ा भूमिका प्रतिपादन करी छी। साथियों, ओडिशा हमेशा से संतों और विद्वानों की धरती रही है। सरल महाभारत, उड़िया भागवत हमारे धर्म ग्रंथों को जिस तरह यहां के विद्वानों ने लोक भाषा में घर घर पहुंचाया, जिस तरह ऋषियों के विचारों से जन जन को जोड़ा, उसने भारत की सांस्कृतिक समृद्धि में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उड़िया भाषा में महाप्रभु जगन्नाथ जी से जुड़ा कितना बड़ा साहित्य है। मुझे भी उनकी एक गाथा हमेशा याद रहती है। महाप्रभु अपने श्री मंदिर से बाहर आए थे
और उन्होंने स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया था। तब युद्ध भूमि की ओर जाते समय महाप्रभु श्री जगन्नाथ ने अपनी भक्त माणिकया गौड़िणी के हाथों से दही खाई थी। ये गाथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हम नेक नियत से काम करें तो उस काम का नेतृत्व खुद ईश्वर करते हैं। हमेशा हर समय हर हालत में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम अकेले हैं। हम हमेशा प्लस वन होते हैं, प्रभु हमारे साथ होते हैं, ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। साथियों, ओडिशा के संत कवि भीम भोई ने कहा था, मो जीवन पछे नर के पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ। भाव ये कि मुझे चाहे जितने ही दुख क्यों न उठाने पड़े लेकिन जगत का उद्धार हो, यही उड़ीसा की संस्कृति भी है। उड़ीसा सबु जुगरे समग्र राष्ट्र एवं पूरा मानव समाज सेवा करी थी। यहां पूरी धाम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत बनाया। उड़ीसा के वीर संतानों ने आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर देश को दिशा दिखाई थी। पाइका क्रांति के शहीदों का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलंतु नहीं।